Welcome back everyone. This is session three of photography and today our topic is using smartphone for the photography and Lightroom app for editing and post processing. So the topics for today's discussion is smartphone's default camera app, lens attachments for smartphone camera, Lightroom app for photography and Lightroom app for post processing so let's start with using smartphone's default camera app for the purpose of photography. okay, guys, so first of all, let's have a look at the default camera app for the smartphone. in my case, i'm using samsung s8 to so its default camera app, that is se hai, uh, view here. for example, you can see photos, videos, sare modes, different are available here. or different smartphone cameras, uh, ye sab modes, different honge. Uh, मेरा आज का जो मकसद है वो आपको सिखाना है द प्रो मोड सो इन सम स्मार्टफोन्स दिस इज़ बाय द नेम ऑफ प्रो सम स्मार्टफोन्स इट्स बाय द नेम ऑफ मैनुअल किसी में एक्सपर्ट के नाम से होता है बट इट डजेंट मैटर नाम क्या है उसका इवेंचुअली इसमें मैनुअल सेटिंग्स होती हैं जो कि किसी डी और मिररलेस कैमराज पे या मैनुअल कैमराज पे आपको मिलती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई देख लेते हैं सो आई मैं ओ इसमें चेंज कर सकता हूँ सो आई थिंक हंड्रेड इज फाइन शटर स्पीड जो है वो बेसिकली मैनुअली इसमें एडजस्ट हो सकती है अभी मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ ये मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ तो मैं आई एस ओ इसके हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सच एज दिस स्टैंडर्ड आप कुछ पिक्चर लेने से पहले ही सेट कर सकते हैं जैसे सच है कलर टेम्परेचर टेंट कॉन्ट्रास्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं हाई कम कर सकते हैं शेडोज यू नो ऑल दीज थिंग्स बट आई वुडेंट प्रिफर यू डूइंग दिस बिफोर टेकिंग द पिक्चर बिकॉज मैं भी ये काम पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए छोड़ देता हूँ uh, तो फिर फिलहाल इसको रीसेट कर लेता हूँ और इसके बाद जो है ए एफ ऑटो फोकस तो इस वक्त ऑटो फोकस पे हुआ है मेरा फोकस एंड यू कैन मैनुअली गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड दैट इज़ मैक्रो सो इफ यू टेकिंग मैक्रो शॉर्ट्स तो लेफ्ट साइड पर कर दें अभी आप देख रहे हैं ये ब्लर इस वजह से हो गया है बिकॉज मैक्रो uh, के लिए आपको सब्जेक्ट के करीब सर्फिस के करीब जाना पड़ता है सो राइट नाउ आई एम एट अ डिस्टेंस तो ये ब्लर हो गया है सो इन माई गेस आई विल कीप इट ऑन द राइट मोस्ट साइड दैट इज द लैंडस्केप वन अदरवाइज फ़िलहाल मैं इसको ऑटो कर देता हूँ तो इवन ऑटो इज फाइन फॉर मी आफ्टर दैट यू हैव वाइट बैलेंस सो वाइट बैलेंस सैमसंग में अब अक्सर फोन्स में वाइट बैलेंस की कैटेगरीज दी हुई होती है जैसा चेस्ट फ्लोरसेंट डे लाइट इनकेसेंट टर्न बट इसमें कैल्बन दिया हुआ है सो बेसिकली फिफ्टी फाइव हंड्रेड इज फॉर डे लाइट एंड देन देर आर लॉड ऑफ अदर लाइक दिस इज़ फॉर टंगस्टन एंड लॉर्ड ऑफ ऑप्शन अवेलेबल बट मैं इसको फ़िलहाल ऑटो कर देता हूँ बिकॉज आई एम इन डोर इन अ मिक्सड लाइटिंग कंडीशन सो इट्स बेटर टू कीप इट ऑन ऑटो इसके अलावा फर्दर बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ऑटो फोकल एरिया सेट कर सकते हैं फोकल पॉइंट्स तो मैंने इसको मल्टी कर दिया तो मल्टी में फोकल पॉइंट्स इंक्रीज हो गए हैं मेरे मीटरिंग भी अवेलेबल है सैमसंग एस एट के कुछ फोन्स के डिफरेंट uh, मैन्युफैक्चरर के फोन्स में मीटरिंग मोड होता है सो so, इसमें जो डी के मीटरिंग मोड हैं वो सारे मीटरिंग मोड सेंटर वेटेड मेट्रिक्स एंड स्पॉट मीटरिंग सो आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑन मेट्रिक्स फॉर ना सो रेशो बेसिकली जो है वो सारे अवेलेबल हैं आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू टेक पिक्चर्स ऑन थ्री इज फोर उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न ये है कि अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो आप देखेंगे रेयर पिक्चर साइज जो है वो फोर इस टू थ्री पे मैंने किया हुआ है फोर इस टू थ्री पे फर्दर मेरे पास दो ऑप्शन हैं एक सिक्स पॉइंट टू मेगा पिक्सल का है एक ट्वेल्व मेगा पिक्सल के

ये जो है क्रॉप हो जाएगा मेरा इमेज सी माय इमेज क्रॉप नाउ आई डोंट वांट दैट एज ए फोटोग्राफर मैं मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी से मेरी फोटोग्राफ्स को क्रॉप करूँ वाई लीव इट ऑन द कैमरा सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप इट ऑन थ्री टू फोर क्रॉप फैक्टर रेशो यू ऑल्सो हैव अ टाइमर मोड विच यू वॉन्ट टू सेट अदरवाइज फ्लैश का भी ऑप्शन है फ्लैश ऑन हो गया फ्लैश ऑफ हो गया सो so, इसमें मैंने इस वक्त सेटिंग कर दी है सो यू कैन सिंपली टेक अ पिक्चर सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज लाइट रूम ओके सो नाउ लेट्स लुक एट द लेंस अटैचमेंट्स फॉर स्मार्टफोन कैमरा एंड देयर पर्पज एंड इफेक्ट इन डिफरेंट वेरियस टेक्निक्स ऑफ फोटोग्राफी आई गाइडो वॉन्टेड टू शो यू सम ऑफ द स्मार्टफोन कैमरा अटैचमेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज अ क्लिप इसके अंदर स्मॉल टाइनी लेंसेज अटैच हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मैक्रो लेंस तो इसको मैं इसके ऊपर अटैच कर देता हूँ इस तरह स्क्रू कर देता हूँ तो ये कम्प्लीटली इसके ऊपर ग्रिप हो गया नाउ यू कैन अटैच दिस ऑन टू योर स्मार्टफोन कैमराज और इसका जो है मैक्रो का रिजल्ट ही डिफरेंट होता है यू कैन टेक पिक्चर्स विद इट देन आई ऑल्सो है फिश आई लेंस ठीक है एंड आई ऑल्सो है वाइड एंगल लेंस तो ये तो तीन लेंसेज हैं इसके अलावा जूम लेंसेज और डिफरेंट लेंसेस अवेलेबल हैं स्मार्टफ़ोन के लिए सो आई शो यू द रिज़ल्ट ऑफ ये मैक्रो लेंस मैंने अटैच किया इसके ऊपर इससे पहले क्या रिज़ल्ट आता है पिक्चर में दिखाता हूँ आपको और इसके बाद में क्या रिजल्ट आता है सो so इस वक्त मेरे स्मार्टफ़ोन पर कोई भी इस वक्त लेंस अटैच नहीं हुआ हुआ है इसका ये बिल्ट इन लेंस है उससे आपको जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस लेंस को मैं अगर स्मार्टफोन को मैं करीब लेके जाता हूँ किसी सरफेस के टेक्स्चर कैप्चर करने के लिए तो एक ये लिमिट तक ये लेंस क्लियर देख सकता है उससे आगे ज़्यादा करीब इसको लेके जाऊँगा तो ये लेंस क्लियर नहीं देख सकेगा तो ये प्रॉब्लम है कि इसका ये नॉर्मल लेंस है इसकी जगह ये देखिए मैं बहुत करीब चला गया हूँ आपको फिर भी ये ब्लर नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज इसकी ये कैपेबिलिटी नहीं है सो इफ़ आई अटैच दिस मैक्रो लेंस ऑन टॉप ऑफ माई कैमरा तो आप रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितना करीब जा सकते हैं आप उसके तो मैं इस पर मैक्रो लेंस क्लिप कर देता हूँ आप देखेंगे कि जो ही मैंने मैक्रो लेंस क्लिप किया सब चीज़ें ब्लर नज़र आ रही हैं आपको बिकॉज मैं एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से इसको देख रहा हूँ सिर्फ नाउ इफ आई एम गोइंग क्लोज टू अ सरफेस यू कैन सी मैं कितना क्लियर देख सकता हूँ कितना मैग्नीफाइड इमेज मेरा लेंस क्लियरली देख सकता है अब किसी सरफेस के करीब जाकर राइट सो दिस इज़ हाउ माइक्रो लेंसेस वर्क